अस्सलामुअलैकुम, क्या आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक नया जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं? अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल पर एक नया जीमेल आईडी किस तरह से और कहां से बनाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल के अंदर एक नया जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो जीमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना है। तो दोस्तों, जीमेल आईडी जो है वो आप प्ले स्टोर से भी बना सकते हैं, जीमेल से भी बना सकते हैं, ईमेल एप्लीकेशन से भी बना सकते हैं या गूगल से भी आप बना सकते हैं। तो जीमेल हर किसी की मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, तो आप जीमेल पे टाइप कर लीजिए, जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन शो हो जाएगा गॉट इट, तो आपको इस पर टाइप करना है। और जैसा आप इस पर टाइप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको गूगल सेलेक्ट करना है, गूगल पे टाइप करना है, तो गूगल पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपके पास चिकन इनपो आ जाएगा, उसके नीचे वेरीफाई इट इज यू एंटर योर डिवाइस पिन टू कंटिन्यू। दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो लॉक है वो लॉक आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो मेरा फिंगर में लगा लेता हूँ। लगाने के बाद आपके पास चिकन इनपो आ जाएगी, तो कुछ ही टाइम में यहाँ से हट जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगी क्रिएट अकाउंट, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर टाइप करना है। उसके बाद फॉर माई सेल्फ यूज, तो इस पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद क्रिएट गूगल अकाउंट एंटर यूअर नेम, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिख लीजिए। तो मेरा नाम है सैद अमीन, तो यहाँ पर मैं सैद अमीन लिख लेता हूँ। लास्ट में मैं अमीन लिख देता हूँ और फर्स्ट में मैं सैद लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और नेम लिखने के बाद भी यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, तो यहाँ पर आप लोग अपना जेंडर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो कोई फर्जी भी आप डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डे पे आ जाते हैं, उसके बाद ईयर पे आ जाते हैं, उसके बाद जेंडर पे आ जाइए। जेंडर में यहाँ पर मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ें करने के बाद आप नीचे आ जाइए और नेक्स्ट के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम डाल लीजिए, तो कोई भी यूजर नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यूजर नेम अपने नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। और नेम लिखने के साथ साथ कुछ नंबर भी ऐड कर लीजिए, और नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद क्रिएट अ स्ट्रांग पासवर्ड, तो यहाँ पर फटाफट पासवर्ड डाल लीजिए, तो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो पासवर्ड के अंदर लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाना चाहते हो तो लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से भी पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यस आई एम एन इस पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर बन चुका है, तो नीचे आ जाइए और नेक्स्ट के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आई एग्री पर टाइप कर लीजिए। तो गूगल का सर्विस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर बन चुका है। तो गाइस, इसी तरह से आप लोग अपने मोबाइल के अंदर एक नया जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।